हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम किशोर, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं टूर्नामेंट, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितना प्राइस है, कौन कौन जो टीम आएंगी वो सब बात में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हमने आसिर में, आसिर की लोकेशन कुछ ऐसी है, सुनसान राय और नेपा नगर में हम लगभग 11:30 बज चुके थे। तो अभी आसिर में लगभग 12:30 बज चुके हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे अनिल ने चाय ले ली। ए चाय मार दे यार, फटाक से चालो। देखिए दोस्तों, सुनसान रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है भाई साहब। बोरी धुलकुट के जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़, और देखिए आगे और पीछे कोई नहीं है। अभी दोनों है अनिल और मैं, और विक्की और भैया आ रहे हैं, तो वो सबके पीछे उधर है कि। लेकिन क्या करें, कबड्डी का शौक ही इतना है, जुनून इतना है कि अनिल भी तैयार होके आ जाता है और हम जा रहे हैं। लगभग 12:30 बज चुके हैं और हम अभी रास्ते में खड़े हैं। अभी उनका रास्ता देख रहे हैं, विक्की उनका, क्यों क्या करे भाई, आदत ही इसे क्यों नहीं सही है। किसी को दारू की आदत रहती है, किसी को गुटखे की तलब रहती है, लेकिन हमको भाई कबड्डी का शौक है। अभी 12:30 बजे तुम सब गोदड़ी में सो रहे होंगे तन्ना के, लेकिन हम यार रोड पे खड़े बोरी धुलकुट में। ये देखिए, ये बोरी धुलकुट का नजारा है। और अभी वो भी आ रहे हैं, क्या मालूम कितने पीछे रह गए हैं। उनकी गाड़ी में थोड़ी क्लच प्लेट का परेशानी है। एक चल के बताते हुए आपको, अभी आ गए समझ लो, अभी 30 किलोमीटर आ गए, 25 किलोमीटर और जाना है अभी आगे। लगभग रात के 1 बजे दोस्तों हम जा रहे हैं घाटाघड़ी कबड्डी टूर्नामेंट। और ये दोस्तों धुलकुट का नज़ारा है, जो कि सुनसान है पूरा। और हम जहाँ जा रहे हैं दोस्तों, उसका जिला पड़ता है खंडवा, मध्य प्रदेश। फाइनली हम पहुंच गए दोस्तों घाटाघड़ी में। देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ घाटाघड़ी का नज़ारा है। और यहाँ पे फर्स्ट प्राइस है दोस्तों 11,000, दूसरा प्राइस है 7,000 और तीसरा प्राइस है दोस्तों 5,000। जो की लाइटिंग दिख रहा है आपको, ये है दोस्तों घाटाघड़ी का कबड्डी का ग्राउंड। चलिए दिखाते हैं। अरे बापरे बाप, भारी मात्रा में गाड़ी आई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये टूर्नामेंट चालू है, चलिए आपको दिखाते हैं टूर्नामेंट का भी। जाओ आकाश भैया, बहुत दिन बाद दिखे। देखिए आकाश भैया आपके सामने, आकाश भैया जरा हाई तो कर दो कैमरे में यार, थोड़ा थोड़ा शर्माते हैं। इधर पवन भैया सब की सब एक्टिव है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, हम आ गए घाटाघड़ी के ग्राउंड में। ऐसा कुछ नजारा है यहाँ का, देख सकते आप, पब्लिक भी भारी मात्रा में पब्लिक आई है। ये घाटाघड़ी का ग्राउंड दोस्तों, अपनी टीम को लाए भैया। प्राइस है 11,705 प्राइस का दोस्तों। यहाँ पे नाम देख सकते आप पब्लिक, यहाँ पे ये टीम है अपनी गांव की, जो कि नाम है कमांडो भातखेड़ा। जैसे कि आप, टोटल दोस्तों 32 टीम हुई थी। और सुबह के लगभग बज चुके हैं 5:30 बज चुके हैं। अभी दोस्तों सेकंड राउंड के 8 से 9 टीमों के लाट डल रहे हैं। शो मैच चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, खूब शानदार। अरे 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 शो मैच चल रहा है। अरे बाप रे बाप, ऑफिशियल कहाँ है, ऑफिशियल का पता ही नहीं, खुद ही ऑफिशियल है। बोले 4-5 ले लो तुम्हारे हिसाब से ले लो तुम, बड़े आराम से तुम जितने बोले उतने दिए। तीन दिए, खतरनाक शो मैच, दंगा हो गया। शो में चल रहा था, उनका दंगा हो गया यार, अब थोड़ा बहुत लफड़ा हो गया। फाइनल दोस्तों ये है दत्तनगर पलासूर के नाम से टीम, फेमस है, जानी मानी टीम है, जैसे कि आपने मैच देखा ही होगा। कभी भी ऐसा को सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम अभी मैच बना रहे हैं। और अभी दोस्तों क्वार्टर फाइनल चालू हो गया, इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। अभी लगभग दोस्तों 6-7-9 टीमें, खंडवा वर्सेस पंधाना, दोनों टीमें ग्राउंड पे आ जाए। 7-7-8 खंडवा वर्सेस पंधाना, दोनों टीमें ग्राउंड पे आ जाए। 12-13 मैच और होंगे दोस्तों अभी, इसके बाद 5:30 बज चुके हैं। सब कुछ ग्राउंड का नजारा है। 5 मिनट का समय दिया जाता है, 5 मिनट का रहेगा फुल बस के समिति वाले हैं। ये सर ने बहुत कमेंट्री, अच्छे खासे कमेंट्री की है सुबह से रात भर। खंडवा वर्सेस पंधाना, दोनों टीमें ग्राउंड पे। ये सब यहाँ के समिति के कार्यकर्ता थे दोस्तों, जो बोल रहे थे कि भाई हमको भी ब्लॉक में लाओ। तो इनको भी थोड़ी बहुत फुटेज ले ली मैंने। और ये जो मेरे पीछे खड़ा है लड़का, ये है पंकज पटेल, इसका भी पंकज पटेल के नाम से यूट्यूब चैनल है, जाके देख लेना, सर्च कर लेना। और ये सब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोल रहे थे। ये टीम है दोस्तों चैनपुरा, जानी मानी टीम है दोस्तों चैनपुरा की। जैसे आपने मैच देखा होगा इसके, अगर कभी मैच नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें चैनपुरा के नाम से। ये टीम है एमपी बारा भिलखड़ी के, सुभाष भाई देख सकते हैं आप, जो कि रनिंग कर रहे हैं यहाँ।
यहाँ पे। भाई दोस्तों दिन मतलब रात में पूरा खड़े टांग दुखने लग गए यार। सुबह हो गई है बस फाइनल बाकी उसके बाद नजारा कुछ ऐसा है। और अभी कमांडो वादगढ़ हार चुकी है, अब तीसरे के लिए लड़ेंगे। हाँ अब तीसरे के लिए लड़ेंगे, वो धोनी प्रभाद उसे हार चुके हैं और अभी फाइनल से फाइनल देखना बाकी है। वीडियो बने रहेगा। और ये अपने मयाराम भाई ढेमानिया वाले, जैसे कि तीन इनाम थे तो तीन टीमों को दोस्तों प्राइस मिला। फर्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे खंडवा लोनीपुरा बहादुरपुर, दूसरा और चैनपुरा दोस्तों तीसरा। ये हमारे नेपानगर की टीम है चैनपुरा। और ये दोस्तों खंडवा के प्लेयर जिनको दोस्तों बेस्ट के तौर पर सम्मानित कर किया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया दोस्तों, क्या बताना इस खिलाड़ी के बारे में भाई साहब। ऑलराउंडर है, दोनों कॉर्नर तरफ खेल लेते हैं यार, तगड़ा डिफेंस कर लेते हैं, अच्छे खासे रेडिंग कर लेते हैं, रेडर है। वाह यार मानना पड़ेगा। इसका नाम तो दोस्तों अजय है, लेकिन दोस्तों इसका जो वायरल नाम है दोस्तों वो इक्का के नाम से फेमस है। इक्का के नाम से इसकी स्टाइडी भी है, जाके देख लेना, सर्च कर लेना, इससे मिलाता हूँ आपको मैं। भाई अपने दूसरे प्राइज के हकदार है दोस्तों ये लोनी बहादुरपुरा, और फर्स्ट प्राइज तो दोस्तों ये टीम है फर्स्ट प्राइज के हकदार। दोस्तों फाइनली ये है पंकज भाई, जो कि यही के इनका यूट्यूब चैनल है पंकज पटेल कबड्डी के नाम से यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लेना जाकर दोस्तों। और फेमस एरिया के बारे में जहाँ मैं नहीं जाता हूँ ये भाई कवर कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाय कर दो रे अपनी पब्लिक को। तो चल गुजर चलते की। तो दोस्तों फाइनली जा रहे हैं, अभी लेके आए चालू है। जो फर्स्ट प्राइज की इनाम के हकदार है वो है खंडवा, और दूसरा प्राइज के हकदार है ब्रांडपुर, और तीसरा प्राइज के हकदार है हाँ आकाश भैया की चैनपुरा। दोस्तों ऐसा कुछ ग्राउंड था, रात भर हम 1 बजे से आए दोस्तों, तो अभी तक पूरा खड़ा हो, पैर दुख रहे यार। इस वीडियो को लाइक करो, करो शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। चलो गुजर देखिए भाई दोस्तों उनका ऐसा कुछ मैच चल रहे हैं, आगे हम निकल रहे हैं घर के लिए। भाई साहब सुबह आए थे, रात भर पूरे खड़े मैच गुजार दिया यार, पूरी टांग दुख रही है। अब निकलते हैं घर के लिए और देखते हैं जैसा कि हो रहेगा आपको बताएंगे। और मेरे साथ ये आए थे अनिल, ये तो हमारे साथ नहीं आया था, लेकिन लगता है हमारे साथ ही चलेगा। और इधर जीजा जी, और दूसरे का है, दूसरे उधर गए पानी पीने के लिए। तो घर के लिए आई होप। और ये सैकड़ी का देखिए, तो आए आप चलते अभी घर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।